मुझे लगता है हमें से मोस्ट ऑफ राइडर्स का सबसे पहला ग्लव्स यही होगा प्रो बाइकर्स का। एंड आई विल नॉट लाइक, पिछले 3 ईयर से मैं सेम ग्लव्स को यूज कर रहा था जो मुझे अराउंड 350 रुपीज का समथिंग पड़ा था। पहले फुल फिंगर्स था बट अभी कार्टफिट का ऐसा कर दिया है। वेल, रिसेंटली ही मैंने एक न्यू ग्लव्स को ऑर्डर किया था हेलमेट के साथ ही, 756 रुपीज का स्टील बट एडवेंचर E1। एंड आई थिंक अमेजन पर भी 657 रुपीज का ही मिल रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू 657 रुपीज, ये वन ऑफ द बेस्ट ग्लव्स में से है। लाइक आप प्रो बाइकर से कंपेयर करोगे तो ये 10 टाइम्स बेटर है इन एवरीथिंग। प्रो बाइकर्स में कुशन के नाम पे कुछ भी नहीं था, आई मीन पैडेड एरिया ऑन द पाम, बट इसमें कुशन काफ़ी अच्छा दिया गया है। और अभी विंटर भी चल रहा है तो ठंड को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ही लेता है। एंड नकल प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ओवरऑल मटेरियल काफ़ी अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग। और इसके पहले मैं भी प्रो बाइकर्स का ही यूज़ करता था तो उसके कंपैरिजन में ये मुझे सच में काफ़ी बेटर लगता है। मतलब फील होता है कि आप एक अच्छा ग्लव्स को यूज़ कर रहे हो जो आपके हैंड्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। एंड जब तक आप खुद से यूज़ नहीं करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। सो अगर आपको 1000 रुपीज़ के अंडर या 500 का ही बजट है तो मैं बोलूँगा 150 रुपीज़ ऐड करके इस ग्लव्स को ले लीजिए, सच में रिग्रेट नहीं होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई वाज सेफ राइड।